होने का बहुत सारे रीजन है, ठीक है। पहले तो जब हमारे बॉडी में कोई पार्ट कंप्रेस होगा, कुछ भी होगा, तो वहां से सिग्नल मिलेगा हमारे नर्व को, जिससे हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि यहाँ पे पेन हो रहा है। तो हम पेन को रोकने से दो तरीके से रोक सकते हैं। पहले तो जो वायर को टच कर रहा है, जैसे वायर है वो बता रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे कहीं बल्ब का वायर लगा हुआ है और वहां पे बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, उसको बुझाना। तो अपन या तो स्विच से बुझा सकते हैं या फिर वायर को काट के, ठीक है ना। तो पेन के लिए अपन लोग, पेन बहुत प्रकार से पेन हो सकता है, ठीक है। जब बैक्टीरिया बॉडी में जाता है, वायरस जाता है, तो रिएक्शन करता है सेल को, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जाके नर्व, जो नर्व नर्व टिश्यू बताया था ना, उसमें जाके जब टच होते हैं तो भी पेन होता है, तो भी बताया जाता है पेन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। और कुछ भी बॉडी में ऐसा हो रहा है जो बॉडी के लिए जरूरत नहीं है फिर भी हो रहा है, तो उसमें पेन ही कोच करेगा, ठीक है। अब पेन जैसे क्या है, अब पेन के लिए हम बताए, और हमने जो लिखा है नहीं, और अरे एक पीडीएफ इसमें नहीं जोड़ा हमने, एक पार्ट रुको, एक मिनट, एक पार्ट हमने जोड़ा नहीं है इसमें, नहीं एक पार्ट नहीं जोड़ा हमने, चलो कोई नहीं, हटाओ थोड़ी, हम बता देते तुम्हें। जिसके आगे एंटी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। एंटी लग जाए उसके अन्ना मतलब क्या होगा, अगेंस्ट, उस चीज के विरुद्ध जो चीज काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंटी। जैसे अपन किस चीज को, जैसे अपन ने बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या बोला था, एंटी एंटीबायोटिक, तो क्या हो गई, बैक्टीरिया की अगेंस्ट, यानी बैक्टीरिया को मारना है तो क्या देंगे हम, एंटीबायोटिक। जैसे वॉमिटिंग हो रही है तो क्या देंगे, एंटी इमेटिक। जैसे ही एंटी लग जाती है, पेन किलर का बहुत सिंपल सा है, पेन किलर जो टेबलेट है उनका बहुत सिंपल सा, कि देखो एक ये है मैफिनिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है। ये जो मैफिनिक एसिड है ये क्या है, ये हमारे मसल्स में जब पेन होगा तो उस पर जाके ये काम करेगा, किसमें, मसल्स में, मसल्स में जो पेन होगा उस पर जाके कौन काम, उसके लिए क्या देना है हमें, मैफिनिक एसिड। और पेट में यदि इंटेस्टाइन, पेट मेरी गैस बन रही है, एब्डोमेन मेरी गैस बन रही है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो क्या देना है हमें, डाई साइक्लोमाइन। अब समझना, तो अपनी पेट में मसल्स लगी है, हमने बताया था एब्डोमेन में मसल्स लगी है, तो अपन को कंफर्म नहीं है कि भैया गैस से हो रहा है कि किससे वजह पेन हो रहा, तो दोनों फॉर्मूला को हमने दे दिया। अगर गैस से हो रहा होगा तो वो भी सही हो जाएगा, और मसल से हो रहा हो किसी रीजन से तो वो भी सही हो जाएगा। तो ऐसे पेन के लिए हम क्या देंगे, जिसमें पेट में जो पेन हो रहा है उसके लिए क्या देंगे हम, मैप्टल फोर्ट। आया समझ में, मैप्टल फोर्ट हमें क्या देना है, एब्डोमिनल पेन में देनी है मैप्टल फोर्ट। आ गया समझ में, एब्डोमिनल पेन में क्या देना है, मैप्टल फोर्ट। दूसरी है जीरोडॉल एसपी, ये बहुत नाम से जीरोडॉल टीएच भी आती, ठीक है, जीरोडॉल एमआर भी आती है, जीरोडॉल टीएच फोर भी आती है, ठीक है, तो बहुत आते हैं जीरोडॉल। तो ये हमें कहां देना, स्वेलिंग वाला, चोट मोज गिर जाए, लग जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो वहां पे क्या देना हमें, जीरोडॉल एसपी। आ रहेगा नहीं आ रहा, ये टेबलेट हम क्या बता रहे हैं, एसिक्लोफ, इसमें क्या लिखा है, एसिक्लोफेनिक और सेरिटोपेप्टाइड एंड पैरासिटामोल, इसमें क्या लिखा है, मैफिनिक एसिड डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है। तो मैफिनिक एसिड कहाँ काम कर रहा है, इसमें मसल्स पे काम कर रहा है, और दोनों मसल्स में काम कर रहा है मैफिनिक एसिड, और डाइसाइक्लोमाइन जो पेट में गैसेस वगैरह बने उसमें काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल पेन के लिए हमें क्या देना है, उठा के डायरेक्ट मैप्टल स्पास, और जो स्वेलिंग वाला पेन हो रहा है उसके लिए क्या देना है, नाखून में दर्द होता है, कभी कुछ होता है, या फिर चोट मोच मुड़ गया, पर उसमें हमें क्या देना है, जीरोडॉल एसपी, ठीक है। और यही जनरल पेन है, देखो कुछ भी हो जनरल पेन, तो ये तो तुम्हें चाहे जहां मिल जाती, नीमोस्लाइड मिल जाएगा, डाइक्लोफेनिक मिल जाएगा, ये तो मिला ही, जहां चले जाओ तो वही नीमोस्लाइड, पैरासिटामोल रखा, वही ये चार टेबलेट है पेन किलर के लिए। आया समझ में, ये चार हो गए पेन किलर के लिए। अभी लिखना है, बताएंगे हम क्या करना है। फिर दूसरा है पेन किलर, ठीक है, वो तो अपन ने जनरल जान लिया। कुछ पेन ऐसे हो कि सहन नहीं करते, सीवियर पेन होते हैं, ठीक है। अगर उसी एब्डोमिन में, पेट में, किडनी में या कहीं पे भी बहुत भयंकर पेन हो रहा है, तो हमें क्या देना है, ड्रोटावेरिन। हमें क्या देना है, ड्रोटावेरिन। तो रिलीव्ड स्पून मसल्स स्पाज, स्पाज में क्या है, मरोड़। जब मरोड़ वाला पेन होगा तो हमें क्या देना है वहां पे, ड्रोटावेरिन। तो रिलीव स्पून मसल्स स्पाज्म इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि एब्डोमेन होता है पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि जितना भी है उसमें पूरे में क्या, हमें कौन सी देनी है, ड्रोटावेरिन। हम जनरली ये भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, जैसे पहले हम ये देंगे, इससे आ जाएगा क्योंकि एब्डोमेन में पेन हो रहा है, ये भी स्पाज्मोडिक है, ये भी क्या है, स्पाज्मोडिक है, ये भी स्पाज्मोडिक पेन में, स्पाज्म में मरोड़ वाला दर्द होता है, मरोड़ होता है कभी कभी, तो उस पेन में ये भी दे सकते हैं। अगर तुम्हें सोच रहे हो कि चलो डायरेक्ट हम एक ही टेबलेट दे दें, तो ये दे दो डायरेक्ट, तो इसमें काम हो जाएगा, ये डायरेक्ट उसी के लिए, मतलब
वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये देंगे तो हम डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं। आया समझ में? ये सीवियर पेन के लिए है, एक ट्रामाडोल आता है, इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट भी आती है। ट्रामाडोल तो हमेशा देते हैं, चाहे जैसा भी पेन हो ट्रामाडोल दे दो सही हो जाएगा, चाहे जैसा भी पेन हो क्या दे दो ट्रामाडोल दे दो सही हो जाएगा। एक आती है बस्को पेन, ठीक है ना, हाउसेंस, ये बस्को पेन दे दो, ये भी ये सीवियर पेन के लिए पैरासिटामोल जनरल है, एनाल्जेसिक भी है और एंटी पायरेटिक भी है, यानी फीवर को भी कम करता है पैरासिटामोल और पेन को भी रिलीव करता है। ठीक है, आगे समझ में हम क्या कह रहे हैं? तो कितनी टेबलेट थी पेन की तुम्हारी? चार, आठ, आठ में से तुम्हें कितनी? आठ टेबलेट है, आठ टेबलेट ना सिर्फ कहूंगा पेन की, आठ टेबलेट नहीं याद हो पाएंगे पेन की, आठ कौन बहुत बड़ी है, तो दो दो एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगी। तो ठीक है, एब्डोमिनल पेन के लिए ये हो गई, स्वेलिंग के लिए ये हो गई, और जनरल पेन हेडेक है जो हो रहा है उसके लिए ये हो गई, न्यूमोसाइट। और पढ़ना तुम्हें क्या है, हमेशा इनका फॉर्मूला पढ़ना है, हमेशा फॉर्मूला, ये चीज नहीं पढ़नी है, सब लोग अभी ध्यान से सुन लो। ठीक है, ये चीज किसी को नहीं पढ़नी है, ये चीज पढ़ोगे तो कभी आगे ना बढ़ पाओगे, ये चीज से कोई मतलब नहीं है तुम्हें, इसको हटा दो। ये नाम है टैबलेट का, ये टैबलेट को नाम रख दिया है। ठीक है, हमें ये चीज नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़ना है, निमोसलाइड, डाइक्लोफेनेक, मेफेनिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन। नहीं नहीं, ये तो फॉर्मूला है जो हमने हटाया है, वो टैबलेट का नाम है। ये फॉर्मूला तुम पूरे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में कह रहे हैं, अमेरिका चले जाओ, जहां चले जाओ तुम्हें ये तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा हर जगह, ये फॉर्मूला मिलेंगे तुम्हें हर जगह, ये फॉर्मूला मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला क्या सीखना है, पहले का नाम क्या है डाइक्लोफेनिक, दूसरे का निमोसलाइड, और तीसरे का है मेफेनिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन। अलग अलग भी आता है, लिसन लिसन क्या, अलग अलग भी आता है, डाइसाइक्लोमाइन अलग भी मिल जाएगा तुम्हें, मेफ्टालिस पास एक आती है, कोलिस पास, तो टेबलेट के नाम पे नहीं है ना फॉर्मूला, तो तुम्हें मैफने के से अलग से भी मिल जाएगा और डाइक्लो डाइसाइक्लो अलग से भी मिल जाएगा, तुम्हें एसिक्लोफेनिक अलग से मिल जाएगा, साइटोपेप्टाइड भी मिल जाएगा पैरासिटामोल के साथ। इसलिए हम कह रहे हैं किस पे फोकस करना है तुम्हें, फॉर्मूला पे। ये है निमोसलाइड, इसके साथ पैरासिटामोल, इसके साथ ही पैरासिटामोल मिल सकता है, डाइक्लोफेनिक, निमोसलाइड, एसिक्लोफेनिक। देखो इसमें दोनों में फेनिक लगा, एक बात हो जिसमें भी फेनिक लगा हुआ है वो पेन किलर होती है। ठीक है, ये मत करो फेन में, वो सब बर्बाद हो जाएगा। निमोसलाइड, एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, मेफेनिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन। ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन के लिए होगी, आगे याद, या सीवियर पेन के लिए क्या हो गया, ड्रोटावेरन। सीवियर पेन के लिए हो गई तुम्हारी ड्रोटावेरन, सीवियर पेन के लिए हुई ड्रोटावेरन, ट्रामाडोल और बस्कोपेन। बस ये इसी नाम से याद रख लो, क्योंकि तो चाहे जगह अवेलेबल है। और पैरासिटामोल तुम्हें पता है ये क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करती है और पेन पेन रिलीफ भी है। ठीक है, तो ये दोनों काम कर रहा है। आगे चारों मेडिसिन समझ में आई, चारों अपन नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लैचुलेंस डिस्पेप्सिया के लिए क्या दे सकते हैं, म्यूसिनेक और पान एमपीएस और एलजेल, एलजेल ए भी आते हैं, ये सब इसमें, ये है इसका फ्लेवर है, इलायची कुछ बोला था कार्डमम, उसका फ्लेवर है, ये मिंट का है और ये भी मिंट का है। ठीक है, अब कुछ वो अमिटिंग के लिए होती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, एंटी इमेटिक। इमेटिक मतलब क्या होता है, वोमिटिंग के लिए जो काम करे उसके अगेंस्ट क्या है, एंटी इमेटिक। ठीक है ना, तो नाउजिया यानी उपकाइया ना, वॉमिटिंग यानी उल्टी। ठीक है, जब उल्टी नाउजिया वॉमिटिंग होता है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, तीन चार टैबलेट चलती है, जनरल सबसे ज्यादा टैबलेट चलती है केवल एक ओंडिस्टोन चलती है, बस सबसे ज्यादा यही चलती है। तो जब उल्टी जैसा मन करता है तो हम कौन सी देते हैं, ओंडिस्टोन। ठीक है ना, और एक होती है स्टीमेटल एमडी, ये तुम लोगों ने खाई यदि होगी तो, सफर में जाते कभी तो लगता है कि सर एमडी का मतलब है माउथ डिजॉल्व। ठीक है, माउथ डिजॉल्व। ठीक है, तो क्या है स्टीमेटल एमडी, क्या है, टंगे पे रख लो, जीभ में रख लो, बस मुंह में दे लो अपने, बैठ जाओ आराम से, चुप, बस तुम्हें वॉमिटिंग आएगी नहीं। और ये है ऑनडम। ठीक है ना, तो ये भी वॉमिटिंग के लिए है। और ये डॉम पे डॉम ऐसे, जब खाना खाने के बाद कभी वॉमिटिंग का मन करे ना तो डॉम पे, तीनों में से तुम किसी भी दो यार, कोई फालतू वाली बात नहीं, तीन में से कोई भी दो सब काम करेगी। ठीक, उठ करके, ठीक है, तो बीच में सुनते भर रहो, एक बार सुनो दोबारा हम फिर बताते हैं। ठीक है, मेडिकल एब्रेजन क्या, शॉर्ट फॉर्म लिख के आते हैं हम, परिचय देखते हैं तो कोई पूछता है समझ नहीं पाते हैं क्या है।
अगर TX लिखता है तो उसका मतलब ट्रीटमेंट है, ठीक है। DX लिखा है तो उसका मतलब डायग्नोसिस है। HX यानी हिस्ट्री। RX लिखा है तो उसका मतलब क्या है? प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके नीचे क्या लिखता है? RX लिखता है, ठीक है। CO लिखा है उसका मतलब कंप्लेंट कौन कौन सी। ADV यानी एडवाइस, क्या एडवाइस दी है क्या नहीं दी है उसने डॉक्टर ने, क्या रेस्ट करना है कितने दिन का करना है, वो एडवाइस हो गई। इन्वेस्टिगेशन, जितने भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं अपन वो किस्म होते हैं? इन्वेस्टिगेशन। CBC, LFT, EFT, UNRM वगैरह जो भी किस्म है इन्वेस्टिगेशन में। PADX यानी प्रोविजनल डायग्नोसिस, यानी पहले पेशेंट हमारे पास आया, हमने पेशेंट के सारे सिम्टम लिए, प्रॉपर तरीके से हमने समझ नहीं पाया कौन सा डिसीज है, तो हमने क्या लिख दिया? प्रोविजनल डायग्नोसिस, ठीक है। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस हमें ये लगा कि शायद इसको मतलब टाइफाइड हो गया, कुछ भी है, कोई भी फीवर है, तो प्रोविजनल डायग्नोसिस लिख दिया, ठीक है। FDX यानी क्या है? जब हमें रिपोर्ट आ गई अब हमें पता चल गया कि एंट्रिक फीवर, हमें कन्फर्म हो गया कि भाई एंट्रिक फीवर है, तो हमने लिख दिया फाइनल डायग्नोसिस में, ठीक है। टैबलेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लें? TAB। सिरप को क्या लिख लें? SYP, ठीक है, SYP लिखते हैं। कैप्सूल को क्या लिख लें? CAP। क्रीम को क्या लिखते हैं? CRM, ठीक है, डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लोशन को क्या लिखते हैं? LOT, ठीक है। ऑइंटमेंट मतलब OINT लिखेंगे, ऑइंटमेंट लगाने वाले याद ना, ऑइंटमेंट। क्रीम कुछ लिख कर ज्यादा तो ऑइंटमेंट में आ जाती है। पाउडर को क्या लिखेंगे? POW। सैचेट जो पुड़िया नहीं आती उसको घोल के पीने के लिए आती है ना, विटामिन D3 वगैरह की और भी आती है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? सैचेट, ठीक है। इंजेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? IG। IV फ्लूड लिखेंगे, ठीक है। आई यानी इंटर मतलब बेनस, इंटर बेनस जो हम देखते हैं फ्लूड उनको क्या लिखते हैं? IV फ्लूड। ड्रॉप को ड्रॉफी लिखते हैं, ठीक है। आयस अरेंजमेंट को क्या है? ये सब तुम्हें मिलेंगे पर्चे में लिखे, जो लोग मेडिकल लाइन में अब जॉब कर रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में, ये सब तुम्हें लिखा मिलेगा। उसका मतलब क्या? इसका मतलब तो हम समझ जाते हैं ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। फिर है अब और भी अब भेजन अभी सुन लो पहले। IM जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कोई इंजेक्शन IM, तो क्या देना है? इंट्रा मस्कुलर, ठीक है, यानी इंट्रा मसल्स में देना है। IV लिखा है तो इंट्रा वेनस, वेन में डालना है तो क्या लिखेंगे? IV। पहले लिख दिया इंजेक्शन का नाम, IMG लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, फिर देखो ऐसे लिख देते हैं, इंजेक्शन हो गया जैसे 540 हो गया, ठीक है, 2 ml लिख दो इसको, ठीक है, 2 ml IV BD। एक इंजेक्शन है पेंटाप्रोल, 2 ml देना है, IV देना है, BD देना है, यानी 2 टाइम देना है, ठीक है। ऐसे लिख के मिलता है तो हम पूछना नहीं पड़ेगा किसी से, हम पर्चा देख लेंगे, फाइल को पढ़ लेंगे और डायरेक्ट IV 2 ml जाके लेके दे देंगे, ठीक है। आया समझ में? BD लिखा थे वही बताते हैं। आया समझ में उसका मतलब क्या था? इंट्रावेनस हो गया और IM हो गया तो इंट्रावेनस हो गया, IM हो तो इंट्रामस्कुलर हो गया, IV की जगह IM लिखा होता तो मसल्स में लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर SC यानी सबक्यूटेनियस, जो भी इंसुलिन होते हैं उनको सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाते हैं, जैसे अपन ने कहा था एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, फिर हो गया सबक्यूटेनियस यानी हाइपोडर्मिस हो गया, फिर मसल्स हो गई, मसल्स के बाद फिर बोन हो गई, ऐसे ही लेयर होती है। देखो मैं बता देता हूँ लेयर कैसी है अपने स्किन में। सबसे पहले अपन को क्या मिलेगा? एपिडर्मिस मिलेगा, फिर दूसरे में क्या मिलेगा? दूसरे नंबर पे अपना डर्मिस। तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा अपन को? हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस, ठीक है। चौथे नंबर पे मिलेगा अपन को मसल्स, पांचवें नंबर पे बोन मिल जाएगी, बोन के नीचे फिर मसल्स आ जाएगी, मसल्स के फिर बाजी आ जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी ना ऐसे ऐसे, तो ये अपन को लेयर मिलती है ऐसे, ठीक है। आ गया ये समझ में हमने क्या कहा? फिर देखो ये तो हो गया सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन दे रहे हैं। फिर TDS, TDS का मतलब क्या होता है? दिन में 3 बार देना, कोई भी चीज दिन में 3 बार देना क्या लिखेंगे? TDS, ठीक है। दिन में 2 बार देना क्या लिखेंगे? BD, दिन में 2 बार देना है BD। QD मतलब QID, दिन में रुको, ठीक है QID, ठीक है, दिन में 4 बार देना तो QID लिखेंगे, BD दिन में 2 बार, OD मतलब होता है दिन में 1 बार, HS मतलब होता है सोते समय, ठीक है, HS मतलब क्या होता है? सोते समय। PC मतलब होता है खाने के पहले, ठीक है, और AC मतलब होता है खाने, AC मतलब खाने के पहले, PC मतलब खाने के पहले, खाने के बाद है, यहाँ पे खाने के बाद है, ठीक है। QEM मतलब होता है रोज सुबह, और QPM मतलब होता है शाम को, इवनिंग में, ठीक है। SOS मतलब होता है नीड, जब जरूरत है तो बोलना मत, जब जरूरत है तब देंगे, ठीक है। आया समझ में क्या कह रहे हैं? तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। अब देखो मेडिकल लाइन में काम करते हो, ये सारी चीज, टॉर्निक्यूट होता है, एक पट्टी बांध देना हाथ में ब्लड निकालने के लिए, पहले कसके बांध दो, खोल दे टॉर्निक्यूट, वहां पर तुम जाके थोड़ी बोलोगे वो हाथ में बांधने वाला दो, है ना, टॉर्निक्यूट, तो पहले समय कुछ नहीं बोले टॉर्निक्यूट लेके, तुम
पूछे से टॉर्निकेट क्या, तो फिर ऐसे मच्छे लेते हैं। टॉर्निकेट मतलब क्या होता है, फीता होता है जो हाथ में कसते हैं। देखो ये होता है टॉर्निकेट हो गया, स्पॉन्जिंग होता है जैसे पेशेंट को बहुत भयंकर फीवर है तो उस टाइम कुछ नहीं देते अपन, स्पॉन्जिंग करते हैं यानी गीली पट्टी रखना शरीर में, लंग्स को छोड़ के सब जगह स्पॉन्जिंग कर सकते अपन, फेफड़े में नहीं करेंगे। जैसे कोई बच्चे को फीवर है नहीं जा रहा, बार बार टेबलेट भी चल रही फिर भी जाता है, तो हम क्या करते हैं आइस पैक लेके फिर टॉवल को पूरा गीला करके अच्छा सिर पोछेंगे बार बार, पैर हाथ लग फेफड़ों को छोड़ देंगे, यहाँ सीने पे नहीं फेस लगा सकते ठीक है, बाकी सब जगह पोछेंगे, इससे फीवर कम हो जाता है, इससे फीवर डाउन होने लगता है टेम्परेचर बॉडी का ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं स्पॉन्जिंग, क्या बोलते हैं उसको टैबलेट स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग याद रखना है ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। ये पहले टाइम में बहुत होता था जब छोटे हो गए, तुम लोग सुनते हो गए तो मैं भी रखा हुआ गीली पट्टी टेम्परेचर डाउन करने का सबसे अच्छा तरीका है ठीक है। अपन मसल्स कहाँ कहाँ देते हैं भाई, इंजेक्शन कौन सी मसल्स में देते हैं, हो गया ठीक है। अब देखो इंजेक्शन की बात करते हैं, जनरली बेसिकली अपन दो जगह इंजेक्शन लगाते हैं ज्यादातर ठीक है, एक तो लगता है ग्लूटियल में और एक लगता है डेल्टॉइड में ठीक है। तो डेल्टॉइड अपने यहाँ पे है, एक लगता है डेल्टॉइड मसल्स में, एक लगता है ग्लूटियल में। तो ये तुम्हारा है ग्लूटियस रीजन, यहाँ पे लगेगा एक, देखो फोर चैम्बर की एक इस वाले में लगा दिया अपन ने, ग्लूटियस में लगा दिया, आईएम है, आईवी नहीं आईएम है ये ठीक है। और फल लगेगा डेल्टॉइड मसल्स में, एक डेल्टॉइड मसल में हो गया ग्लूटियस में हो गया, यहाँ इंजेक्शन की साइट कौन सी, देखो आई एम 90 डिग्री लग रहा है सबकी, देखो ये मसल्स नीचे मसल्स फैली हुई है ये पूरी, देखो ये मसल्स है, ये मसल्स है, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है ठीक है। हाँ ये सबक्यूटेनियस हो जाएगा, आ गया समझ में, ये तुम्हारा सबक्यूटेनियस है, ये डर्मिस है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, मसल्स है, मसल्स में आई एम लग रहा है कितना 90 डिग्री पे लग रहा है ठीक है। तो ये मसल्स में लग रहा है, आया समझ में, आया समझ में, ऐसे इंजेक्शन लगता है ये। फिर पल्स, हम पल्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, 8-9 जगह से ले सकते हैं, पल्स लेने के बहुत सारे तरीके हैं, हमेशा पल्स आईटी से लेते हैं ठीक है, आईटी आईटी से पल्स मिलती है। तो अपन हाथ क्यों लेते हैं उसको रेडियल आईटी बोलते हैं, टेम्पोरल यानी गर्दन वाली, एपिकल यानी ये है यहाँ पे, ब्रेकियल है, एपिकल यानी ये यहाँ पे जस्ट बगल में, ब्रेकियल फीमर दो, ये क्या रखना केवल कौन सी रेडियल, रेडियल ही लेते हैं बाकी जरूरत नहीं है कि नाम रखो कि रेडियल पल्स, अगर कोई पूछे कहाँ से पल्स कहाँ से लेते हैं तो रेडियल पल्स, रेडियस रेडियस यहाँ से लेते हैं रिस्ट जॉइंट से ठीक है। तो रेडियल पल्स कौन सी पल्स है वहाँ पे, रेडियल पल्स है, ये नाम बता दिए बस ठीक है। अब देखो टेम्परेचर कहाँ कहाँ से लेते हैं, एक तो आर्मपिट से लेते हैं, अंडर आर्म से लेते हैं, कान से भी लेते हैं, ईयर से भी लेते हैं, टेम्पेनिक भी बोलते हैं इसको ठीक है, नहीं लिखा इसमें, ओरली भी लेते हैं, फोरहेड से भी लेते हैं। और सबका टेम्परेचर अलग अलग वेरी करता है, सबका टेम्परेचर अलग अलग वेरी करता है। रेक्टम का 97.9 फारेनहाइट, 100 इतना नॉर्मल है, माउथ से नॉर्मल है, इतना सब जगह से नॉर्मल है टेम्परेचर ठीक है। साइट ऑफ बीपी कहाँ से लेते हैं, हम आर्म से लेते हैं, अपर आर्म से ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, कप को बांध के फिर उसमें हवा प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद स्टेथोस्कोप को रख के फिर वहां पर लेते हैं कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बीपी है ठीक है। कहाँ से लेते हैं बीपी, नापने का सही तरीका क्या है, हमेशा जो इक्विपमेंट रखा हुआ है उसे बिल्कुल अपने हार्ट के लेवल पे रखना है, दोनों पैरों को टच करना है, पीछे झुक के बैठना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, बातचीत करनी नहीं है ठीक है। ऐसे लेते हैं बीपी, बीपी मेजरमेंट करने का सही तरीका ये है। देखो ये गलत है, ये पैर से अगर पैर ऐसे देख एक के ऊपर एक पैर डला हुआ तो गलत तरीका है। अगर तुम जैसे हम ये खड़े में नहीं, जैसे कोई बैठा है और नीचे है, इसको हमेशा ये हार्ट सरफेस पे होना चाहिए, जैसे बैठते हैं तो यहाँ पे टेबल होना चाहिए, तब लग के बीपी सही मेजर तरीका ये है। रिलैक्स, पीछे सपोर्ट देना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल चुपचाप बैठनी, तब बीपी मेजर करने का सही तरीका ये है ठीक है। अब देखो ये कैनुला के नंबर, आई बी कैनुला होता है 16, तो नंबर है ये सब 26, 14, 22, 20, 18, 16, क्योंकि बच्चे के लिए कौन सा होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए 26 नंबर ठीक है। बच्चे के लिए कौन सा कैनुला है 26 नंबर ठीक है, 24 भी है 26 भी है ठीक है, और ये 22 तो एडल्ट में भी चलता है, 18 दिखाया ना एडल्ट में, ये जनरल है, ये कॉमन है, ये 22 ही चलता है ज्यादातर ठीक है, सब जगह 22 ही लगाते हैं, लेकिन लिखा है 20 नंबर है हॉस्पिटल केस में, जैसे सर्जरी वर्जरी वगैरह में ठीक है, एडल्ट में 4OT केस में हो गया है, और ये एडल्ट में भी हो गया, ये सब OT केस में। देखो जनरली जो तुम्हारा 22 नंबर क्यों सब जगह यूज होते, अगर तुम्हें सुना तो 22 ही नंबर क्यों यूज होगा, ये बच्चे और किसी की वैन नहीं मिल रही है, बहुत कम छोटी लग रही है, तो उसमें हम ये वाला भी दे सकते हैं, जरूरी थोड़ी हो वही दें, जरूरी नहीं है कि वही दें ठीक है। हमें मेजर करना है कि भाई हम कौन सा, अगर हमने ये मान लो 22 नंबर का लगाया तो प्रॉपर नहीं जा रहा, पूरे इनसाइड पूरे नहीं अंदर जा रहा है, तो हम छोटा लगा सकते हैं ना उससे, तो हम छोटा लगा सकते हैं ठीक है। ये उसके नंबर हो गए ठीक है। ये होता है फॉयल कैथेटर ठीक है ना, यूरिन को बाहर निकालना, जब यूरिन नहीं निकलता किसी भी कारण से तो उसको बाहर निकलने के लिए हम क्या लगाते हैं कैथेटर, जिसको हम फॉयल बोलते हैं ठीक है। ये 1 वे होते हैं, 2 वे भी होते हैं, 3 वे भी होते हैं।
तो इसके भी नंबर आते हैं। बच्चों में क्या लगता है 6, 8, 10, ठीक है, ब्लैडर में डालते हैं, और एडल्ट में लगता है 12, 14, 16। हम पहले तो बता चुके हैं नंबर का बहुत सिंपल सा है। अब तुम्हें अंदाज तुम्हें वो करना है कि भाई ये इसकी ये इतनी एज नहीं, लंबाई से पता चला कि छोटा है बड़ा है तो ये नंबर लग जाएगा वो नंबर लग जाएगा, ठीक है, तो वो लगाते हैं ये सब। ये है और कैथेटर है, ठीक है, यूरिन बैग है, यूरिन बैग होता है, जैसे कैथेटर लगा दिए फिर यूरिन कलेक्ट कर यूरिन को रखते हैं, तो किसमें यूरिन को ये बैग को रख देते हैं ताकि पूरा यूरिन जो निकल रहा है इसमें कलेक्ट होता जाए। ये होता है फिर एनेस्थीसिया लोकल, ठीक है, अब लगाते हैं तब उसमें यूज करते हैं एनेस्थीसिया को, ठीक है। ये राइस ट्यूब होती है, जैसे जो पेशेंट मुंह से नहीं खाना देना है तो राइस ट्यूब लगाते हैं फिर उसे खाना खिलाते हैं इससे भी, या पेशेंट ने पोइजन खा लिया है तो गैस्ट्रिक लेवाज करने के लिए स्टमक वॉश करने के लिए ये लगाते हैं, फिर उसे पूरा जितना पोइजन खाया उसको बाहर खींचते हैं, ठीक है। देखो ये शुगर का भी है, ब्लड शुगर चार्ट है, नॉर्मल कितना है 80 से 100 है, खाना खाने के बाद 170-200 है, ठीक है, और खाना खाने के 2 से 3 घंटे के अंदर वो हाँ ये 40 है, ठीक है। और इम्पेयर्ड ग्लूकोज अगर इतना ज़्यादा बढ़ गया तो डायबिटीज रोक सकता है, इसके लिए भी हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं अलग अलग, तो डायबिटीज की कितनी प्रकार की डायबिटीज होती है। देखो फीवर होता है 90 में, टेम्परेचर बता दिए, फीवर की स्टेज होती है कोल्ड हॉट स्वीट, ये सब स्टेज है फीवर की, ठीक है। ये था तुम्हारा पूरा इस चीज़ का।